कौन है यार? बेटा देखो, एक्टिविटी के अंदर भी कुछ सारी चीजें हैं। आप देख सकते हो, जो रस्ट होती है, रस्ट को बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड यानी कि FeO। जैसे अभी Al2O3 की रिएक्शन बताई, वैसे FeO भी होता है। और FeO क्या करता है बेटा, जब आप FeO की रिएक्शन करोगे किसी वाटर के साथ, पहली बात तो आप यही समझ लो, अभी जैसे मैंने आपको 1 मिनट पहले बताया, अभी किसी बच्चे ने पूछा था सर Al2O3 की रिएक्शन होती है वाटर के साथ तो बनता है AlOH का होल थ्राइस। बेटा यहां पर हाइड्रोक्सिल आयन है इसलिए ये भी बेस है, और ऑलरेडी बताया हुआ था कि यहां पर ये एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, तो ये बेसिक होगा तभी बेस प्लस न्यूट्रल बेस बनाएगा, क्योंकि न्यूट्रल का कोई मीनिंग नहीं होता, तो बेस इधर है लेफ्ट साइड में, तो बेस राइट साइड में भी होगा। ठीक है, उसी तरह से जब हम 1 चम्मच रस ले लें, अगर आप एक बार इसको घर पे करके देखना या फिर आप इसको एक बार पढ़ लेना खुद से, आयरन ऑक्साइड की या 1 1 स्पून ऑफ रस्ट ले लो, रस्ट इसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड पे आप डालना वाटर। जैसे ही आप वाटर डालोगे ये रिएक्शन हो जाएगी, जैसे अभी Al2O3 की रिएक्शन हुई है वैसे इसकी भी हो जाएगी, और इसकी रिएक्शन होगी तो ये एक्चुअली Fe2O3 होता है, और ये Fe++ और वाटर में टूट जाता है, इसको Fe2O3 करना, और ये Fe++ और वाटर, और यहाँ पर Fe++ प्लस ऑक्सीजन माइनस माइनस, और वाटर जो होता है वो H+ और OH- माइनस में टूट जाता है। अब करना कुछ नहीं, केवल आयन को एक्सचेंज करना है, Fe++ की रिएक्शन OH- माइनस से होगी और H+ की रिएक्शन ऑक्सीजन से होगी, तो यहां पर बन जाएगा Fe OH का होल थ्राइस प्लस H2O, और H2O ऑलरेडी है तो यहां पर ये रहेगा नहीं, तो Fe OH का होल थ्राइस बन जाएगा। अच्छा, अगर ये बेस है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड बेस होता है, और ये ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि हाइड्रोक्साइड के साथ आया है तो ये बेस है। अच्छा, ये दोनों ही बेस हैं आपस में, और अगर अलग अलग बेस हैं। अब अगर आप इसमें रेड लिटमस पेपर को लोगे ना, अगर आपको चेक करना है, अगर ये रिएक्शन करवा के जब ये रिएक्शन जब राइट साइड में प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है, तो अगर आप रेड लिटमस पेपर को इसमें लगाओगे तो ये ब्लू में टर्न कर देगा, जो कि एक बेस की क्वालिटी होती है, तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में वो कन्वर्ट कर देता है। कौन कर रहा है यार इतने मैसेज? रूम में डिसेबल कर देता हूँ बस, चैट भी। ठीक है, तो बेटा ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, एक बार आप लिख लेना, एक बार इसको आप देख लेना, देखना है तो, क्योंकि जब रस्ट की रिएक्शन करोगे वाटर के साथ तो FeOH का होल थ्राइस बनेगा और वो एक बेसिक कंपाउंड होगा। ठीक है, लिख लो यार, एक लाइन में लिख लो, वी टेक ए स्पून ऑफ रस एंड रिएक्ट इट विथ वॉटर, देन कंपाउंड फॉर्म। व्हेन वी टेक लिटमस पेपर, देन बेटा लिटमस पेपर को ब्लू को रेड में कन्वर्ट करना, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करना, ये बेस का ही काम होता है, बेस होता है वो रेड को ब्लू में करता है, और जो एसिड होता है वो ब्लू को रेड में करता है। लिटमस पेपर
द लिटमस पेपर टर्न्स इट रिप्रेजेंट रेड आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगी पेपर राइट कर लो आप बेटा यहां तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है हेलो सर एक्सक्यूज मी बोलो बेटा सर बोलो बेटा किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है सर आपने सर जो ओ एच लिखा हुआ था वहां पे सर वो आपने क्यों लिखा हुआ था जब आपने एच टू ओ को ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन किया था ये वाटर को ये वाला बोल रहा बेटा यस सर बेटा जो वाटर होता है सर कोई बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है सर सर जो भौमिक फौजा रेज हैंड किया है आप उसको किक आउट कर दीजिए और ये ऐसा उस पे रोल नंबर भी नहीं लिखा है सर उसने फिर से नेम चेंज कर लिया सर पहले आप नेम चेंज डिसेबल कर दीजिए फिर किक आउट कर दीजिए सर आधा टाइम तो सर इसी में निकल जाता है क्या करे यार चलो आज मेल आईडी से आपका ऐड हो जाएगा आज ये लास्ट क्लास है जब आपकी बिना मेल आईडी के चल रही है आज बात हो जाएगी टेंशन मत लो हाँ बेटा जो वाटर होता है वो प्लस और ओएच माइनस में कन्वर्ट हो जाता है बताना कौन है सर भौमिक पहुजा है हेलो क्लिक कर दो इस पर रोल नंबर नहीं लिखा हेलो सर यस और ये हमें पता नहीं था आज लास्ट क्लास के बाद कभी बिना मेल आईडी के नहीं होगा नाइन्थ क्लास में भी होता था डिस्टर्बेंस की वजह से लेकिन उस क्लास में मेल आईडी से कन्वर्टन हो गया है और आज ही इसका आज संडे है सर शाम तक आज ये कन्वर्ट हो जाएगा मेल आईडी पे तो बिना मेल आईडी पे बिना किसी रोल नंबर के कभी कोई ज्वाइन नहीं हो पाएगा सर दिस इज द लास्ट क्लास इसकी कुछ पुलिस कंप्लेंट नहीं होती क्या सॉरी सर पुलिस कंप्लेंट नहीं होती क्या इसकी सर कंप्लेंट होती है नाइन्थ क्लास की कंप्लेंट हुई है इसीलिए सर उनका हो गया चेंज और इसका एट क्लास का शायद कंप्लेंट नहीं किया बच्चों ने इसीलिए नहीं हो पाया इनका इसकी कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं होती क्या सर पुलिस कंप्लेंट सर ये आप लोग जानो सर आई एम ए स्टूडेंट सर आई एम आल्सो 82 ईयर स्टूडेंट्स का काम है सर शिखर कोचिंग का काम है ना शिखर डिस्टरबेंस तो आपकी तरफ से है ना बच्चे तो सर ये एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है सर बट आज ये है कि आज ये कन्वर्ट हो जाएगा मेल आईडी पे सर उस पे जो सर ये अब सोशल मीडिया की कोई कंप्लेन नहीं कर सकता सर इतनी जल्दी क्योंकि हर कोई बोलेगा कि सर देयर इज अ डेमोक्रेसी और वो अपनी आप अपनी बातें अपनी चीजें बोलने के लिए वो स्वतंत्र है सर तो कौन इस पे एक्शन लेगा सर इसलिए सर आज कन्वर्जन हो जाएगा अपनी तरफ से अपना सिक्योरिटी रख लेंगे आज दिस इज लास्ट क्लास सर ओके Okay, just I'm just calling to sir. Just please wait. Sir, ये मैं पूजा को किक कर दीजिए. Talk meeting कर दी.
बेटा कौन है जो डिस्टर्ब कर रहा था बताना, नाम बताना, इसमें कहीं पे है अभी विजिबल अनम्यूट कर रहा हूं मैं। हेलो यस सर, यस सर, अभी लास्ट क्लास आज के बाद नहीं होगा बट अभी के लिए बताओ आज क्लास चलानी है क्योंकि बताओ कौन है देखो सर वो वापस आ गया सर जिस पे रोल नंबर नहीं है ना तब महिंद वाले पे उसे भगा दो अब तो सर है नहीं वो सर क्लास में। एक्सक्यूज मी सर, यस सर, जो अपन ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे तो सर मतलब वो कौन सी ईमेल आईडी होगी सर? आज आपकी ईमेल आईडी हो सकता है मांगी जाए इंस्टीट्यूट में, आपको देनी पड़ेगी, बिना ईमेल आईडी के लॉगिन नहीं होगा। और जो बच्चे होंगे ना उनके रोल नंबर ईमेल आईडी में मेंशन होंगे, बिना रोल नंबर के आईडी नहीं होगा, तो केवल वही बच्चे ज्वाइन करेंगे जिनके पास ऑलरेडी प्रोवाइडेड रोल नंबर है। तो वो अभी 9th क्लास में ऐसा ही हुआ है क्योंकि 9th क्लास में 150-200 बच्चे हैं तो उनमें ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ था, तो हम लोगों ने ये करवा दिया है कि वो मेल आईडी से ही केवल ज्वाइन कर पाते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा बच्चे नहीं आते। तो आज आपका हो जाएगा आज या कल में, लेकिन आप एक दो दिन दे दो ठीक है, क्योंकि मेरे को पता नहीं था इसलिए मैंने बात नहीं करी थी, क्योंकि पाई वैस में से पहले हुआ नहीं कभी मेरे साथ, तो आज मैं बात कर ली है मैंने और ये एक दो दिन में मैक्स टू मैक्स हो जाएगा बेटा। सर मुझे डाउट है। यस बेटा बोलिए। आपने बोला जो रस्ट आयरन होता है उस पे वाटर डालेंगे से उस जो स्पून होगा इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने बोला कि मेटल ऑक्साइड है वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ऑब्वियसली वो FeUS का होता है। जैसे अभी L2O3 बना रहा था तो L2O3 बेटा यहाँ पर वाटर रस्ट मतलब जंग हो गया लगा हुआ। हाँ है ना, जंग का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ वो मैच्ड होता है, मतलब आयरन जो होता है ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कर रहा है तो वो जंग बनाता है, उसमें ऑक्सीजन भी एडेड रहता है। इसी वजह से जब रस्ट की रिएक्शन करवाते हैं ना रस्ट के साथ वाटर डालते हैं तो उसमें वो बेसिक फॉर्मेट है। आप डाल देना जंग को एक लिक्विड में डालना, एक ग्लास लिक्विड लेना, उसमें आप एक स्पून रस्ट डाल देना और फिर लिटमस पेपर लगा देना, वो हमेशा बेसिक सोल्यूशन देगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, करके देखना घर पे चाहे तो। 2 रुपए का लिटमस पेपर आएगा, आप चाहे तो घर पे कर सकते हो। सर बोलो सर, आपने H2 को कट किया या सिर्फ 2O को कट किया है? सर जैसे अब H2O लिखा था उसको H2O हमेशा H+ + OH- में टूटेगा हमेशा। सर OH- का सर चार्ज कांस्टेंट रहता है, OH- ही रहता है। हाँ सर आज सर माइनस ही रहता है सर OH में। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस अरे बेटा आप में से कुछ लोग लीव हो गए, उनके कॉल्स भी आ रहे हैं। हाँ बताओ क्या कह रहे हो बेटा। सर जो OH रहता है सर उसकी जो वो रहता है चार्ज वो कांस्टेंट रहता है -1 बेटा हमेशा माइनस में। देखो मैं बता रहा हूं आज स्केल सर, तो H2O के अलावा किसी में ब्रेकडाउन नहीं होता। किसमें ब्रेकडाउन किसमें नहीं होता ये तो बताओ, कहां नहीं होता है सर? मतलब सर OH H2O को ब्रेकडाउन करेंगे तभी आएगा और किसी में नहीं आएगा। अरे यार क्यों नहीं आएगा, अभी FeUS को ब्रेक करो, अभी FeUS में आ जाएगा इसमें। अरे यार ये कौन सी बात है, कहां से ये सब कांसेप्ट लेके आते हो? ये FeUS में टूट जाएगा और OH- में टूट जाएगा, ये भी टूटेगा, तो जहां जहां OH माइनस होगा वहां टूटेगा। NaOH है, NaOH को तोड़ोगे तो Na+ और OH- में टूटेगा, तो ये थोड़ी ना मैंने कहा बोल दिया ऐसा यार कि OH- एक ही में टूटेगा। वाटर होता है, जो वाटर को हम जब देखो स्केल देखो pH स्केल 7 है, यहाँ पर 7 से ऊपर है और ये 7 से नीचे है, यहाँ पर वाटर होता है और यहाँ पर वाटर H+ और +OH- में टूटता है, तो OH- इधर का पार्ट होता है और H+ इधर का पार्ट होता है। जो एसिड होते हैं वो देते हैं H+ और जो बेस होते हैं वो देते हैं OH- और दोनों ही वाटर से निकल करके बने हुए हैं। तो अब बेस में अब जितने बेस है मान लो बेस में NaOH है, MgOH का होल टाइज है बेटा, सारी चीजें 6-7 क्लास में होती है, इतनी दिक्कत है ना आज की, बहुत चीजें आपको कम आती है यार, अब इतनी प्रॉब्लम होती है ना। AlOH का होल टाइज इसमें सारे बेसिक फॉर्मेट्स हैं और जब बेस है तो OH- आयन ही देंगे, ये जितने बेस होते हैं सारे OH- देते हैं, और जो H+ जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सारे एसिड्स हैं, H3PO4 हो गया, HI हो गया, तो सर को H- देगा H+। सर Al2O3 + H2O वाला एक बार फिर से समझा दीजिए सर, तब समझ में नहीं आया था। Al2O3 + H2O ठीक है,
एल ट्रिपल प्लस प्लस ऑक्सीजन माइनस माइनस, इतना समझ में आया था कि नहीं आया था सर? ये चार्जेस तक तो समझ में आ गया था। तो यहाँ पर H प्लस और OH माइनस में टूटना है। अब मैंने बोला है कि इसका प्लस इसके माइनस का रिलेशन करेगा। अब यार एकदम से मतलब हद कर रहे हो ना कि प्लस 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 चार्ज यहाँ पर OH माइनस चार्ज है, इसको ऐड करके AlOH का थ्राइज नहीं बना पा रहे हो। और जो कि मैंने आज आज 15वीं क्लास हो गई यार, चार्ज बताते बताते H प्लस और OH माइनस में टूटेगा वाटर, मैंने बोल दिया है, और टूटेगा ही टूटेगा। जब वाटर टूटेगा H प्लस OH माइनस में टूटेगा। तो अब रिएक्शन अगर Al प्लस ट्रिपल प्लस की करोगे तो Al ट्रिपल प्लस के पास कितने ऑप्शन है, या तो ये ऑक्सीजन माइनस माइनस का रिएक्शन कर ले, या तो फिर ये OH माइनस का रिएक्शन कर ले। दो ही ऑप्शन बनते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ ही रिएक्शन कर सकता है। तो ये अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दोगे तो फिर से H2O3 बन जाएगा। तो मतलब क्या निकला रिएक्शन का, तो करेगा तो OH माइनस के साथ ही ना। मैं चार क्लासेस को बताता चला रहा हूं यार। तो AlOH का होल प्राइस बनेगा। अब आपको मैं यही करूंगा कि रिएक्शन लिखाऊंगा और रटो रिएक्शन, क्योंकि आपके बस की बात ही नहीं है, आप ऐसे समझते ही उस चीजों को यार, पता नहीं क्यों ट्राई नहीं करते। एक बार मैंने बोला H+ OH- में टूट रहा है बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इसका पॉजिटिव चार्ज हम ले रहे हैं तो इसके नेगेटिव के चार्ज के साथ रिएक्शन करेगा, और अगर इसका नेगेटिव चार्ज होगा तो इसके पॉजिटिव साथ रिएक्शन करेगा। मैंने ये भी बता दिया कि क्यों दूसरे के साथ करता है, क्योंकि अपने में करेगा तो सेम ही कंपाउंड बना देगा। अभी कोई दिक्कत है बताओ? बेटा अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो फिर से डिस्कस कर लो यार। सर ओवरएच रिएक्शन नहीं करता। कहां ओवरएच है बताओ? सर H किया तो है, अभी तो वाटर बनाया है, किया तो है, वो ऑक्सीजन माइनस माइनस और H+ रिएक्शन किया तभी तो वाटर बनाया है यार H2O। और H+ का एक ही फॉर्मेट हो ही ना होता, यहाँ पे दो तीन चार कितनी भी ले सकते हो, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंसी हर चीज बता डाली है क्लास में यार, उसके बाद भी ऐसे पूछ तो H+ वाटर का रिएक्शन करेगा। अच्छा H+ और ऑक्सीजन माइनस जब होती थी कंपाउंड तो कौन सा कंपाउंड बनता था ये बता दो मुझे बस। हाइड्रोजन प्लस और ऑक्सीजन माइनस माइनस, यहां पर रखो, यहां पर दो हो जाएगा, यहां पर एक हो जाएगा। ये भी मत बोलना यार कि नहीं बताया है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने एक एक चीज क्लास में समझाई हुई है यार। अब जब कुछ नहीं आता तो मैं कैसे करूं यार बताओ? मैंने नीचे लिख के बताया है, इसको पूरा एकदम सही से बताया है, जहां जहां भी आया है ना ये रिएक्शन, मैंने एक एक रिएक्शन करके बताई है, एक एक कंपाउंड बनाना बताया। मैंने चार वीडियो सेंड किए हैं आपके ग्रुप पे, डेढ़ घंटे की पूरी क्लास मैंने चार्ज की ली हुई है, जिसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करके बताया पूरी क्लास में। उसके बाद आपको समझ नहीं आ रहा H+ और ऑक्सीजन माइनस रिएक्शन करेगा तो H2O बनाएगा। ये कंपाउंड बना रहा है यार, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है यार। H+ है, इसका ऑक्सीजन माइनस माइनस है, इसका एक होता है, इसका दो होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो H2O बन जाएगा। समझाया है क्लास में, डीपीपी दी है दो दो तीन तीन मैंने यार, आज वही बताने की कोशिश कर रहा हूं यार कि Al2O3 है, आप इसको रिएक्शन करवाओ H2O के साथ। मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं चाहूं तो रिएक्शन लिखवा दूं और आप रट के निकल जाओ, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए रिएक्शन, आप रट के मत पढ़ो रिएक्शन को। अभी ऑक्सीजन माइनस माइनस है, यहाँ पर यश सॉरी यश प्लस है और OH माइनस है, तो इसके पास दो ऑप्शन है एयर ट्रिपल के, उसके पास या तो रिएक्शन करे ऑक्सीजन माइनस माइनस से और या तो रिएक्शन करे OH माइनस से। और ऑक्सीजन के पास भी दो ऑप्शन है, इस ऑक्सीजन के पास भी दो ऑप्शन है, ये चाहे तो रिएक्शन करे Al ट्रिपल प्लस से और चाहे तो रिएक्शन करे H+ से, क्योंकि पॉजिटिव से ही रिएक्शन कर सकता है, इसमें चार ही चार्ज है केवल, देख सकते हो बार बार। yes, एक घंटे से यही बता रहा हूं मैं, यही बता रहा हूं, यही बता रहा हूं। अभी Al ट्रिपल प्लस से करेगा तो Al2O3 बना देगा, और अगर H+ से करेगा तो H2O बना देगा, तो Al2O3 बन जाएगा तो सेम ही चीज बन गई, इसलिए नहीं बनाएंगे और वाटर बना देंगे। बेटा अभी दिक्कत है क्या यार? नो सर, नो सर, अभी समझ नहीं आया तो बताऊं फिर से मैं यार इसको यार। सर बोलो सर, आप ऊपर कर दीजिए थोड़ा। हाँ मेरे को डाउट है। हाँ बेटा बोलो। सर जो आपने बोला था रस्ट आयरन वाला, तो सर जब उसमें वाटर डाल तो उसके जो लुक होता है उसमें भी कुछ चेंज आता है, उसमें भी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है उसकी, जो ऐसे भी कोई चेंज आ सकता है क्या उसमें? प्रॉपर्टी मींस बेटा मतलब सॉल्युबिलिटी वगैरह? मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे जो रस्ट आयरन है मेरे पास, जैसे उसमें मैं अगर वाटर डाल दूँ तो उसके कुछ देखने में भी चेंज आता है, जैसे अपनी नॉर्मल आइज से देखते तो कुछ चेंज दिख रहा हो अपन को देखने में? बेटा एक बार करके देखिए ना, कलर वगैरह आ सकता है चेंज थोड़ा बहुत, अगर वो वाटर में डिजॉल्व होगा तो थोड़ा बहुत कलर दूसरा आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो सर। पक्का? यस सर। बनाओ रिएक्शन, फिर देता हूँ रिएक्शन, करो करके दिखाओ सर। हाँ बोलो बेटा।
सर जैसे अपन कुछ चीजों का रिएक्शन करते हैं तो सर वो प्लस में आता है, जैसे सर MgO प्लस H2SO4 का करते हैं। अभी रिएक्शन करके दिखाओ, पहले बताता हूँ। एक प्रोडक्ट बताया तो जाऊँ। रिएक्शन अगर रिएक्शन रटोगे तो कभी रिएक्शन नहीं आएगी, पूरी जिंदगी केमिस्ट्री पढ़ते जाओ कभी केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी। इसीलिए मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि रिएक्शन बनाना सीख जाओ, नहीं पूरी जिंदगी पढ़ते रह जाओगे कभी केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी, रिएक्शन कभी समझ में नहीं आएगी। जब तक आप रिएक्शन क्यों बनी है, क्या बना है, प्रोडक्ट कैसे बना है नहीं समझोगे, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है नहीं समझोगे तो नहीं बनेगा। बेटा ये हाइपोथेटिकली, ये कोई भगवान पैदा नहीं करता इस रिएक्शन को, इसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, इसकी वजह से ये बनता है ऐसा, और वो क्वालिटी समझना है यार, नहीं तो फिर हमसे पढ़ने का क्या मतलब निकला, फिर बुक से पढ़ लेते। बताओ बेटा क्या बना कंपाउंड का प्रोडक्ट? सर MgOH2। अच्छा सर MgOH2। MgOH सबका बना यही? यस सर। बेटा ये टूटा Mg++ में और ऑक्सीजन माइनस माइनस। सर मेरा बना सर MgO प्लस H2O। हे यार यही तो दिया है यार, यही तो दिया है मैंने, H2O को H+ और OH- में तोड़ना है। यस प्लस OH- में ये टूट गया और Mg++ ऑक्सीजन माइनस में ये टूट गया। अगर आपने MgO प्लस H2O फिर से बना दिया तो क्यों रिएक्शन करी है भाई? वही तो लेफ्ट में वही राइट में बनाओगे तो क्यों रिएक्शन होगी? फिर तो रिएक्शन ही नहीं हुई ना यार। अगर प्रोडक्ट ही चेंज नहीं हुआ है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम रह गए, तो फिर मतलब क्या निकला रिएक्शन का, ये तो समझो। अब यहाँ पर Mg++ ये इसके पास दो चीजें हैं, इसके पास दो चीजें हैं। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज Mg++ के पास कितने ऑप्शन है रिएक्शन के? सर दो, या तो ये ऑक्सीजन माइनस कर सकता है, या तो ऑक्सीजन माइनस या OH-। यस सर। दूसरा है ऑक्सीजन माइनस माइनस, इसके पास कितने ऑप्शन है? दो, या तो Mg++ से क्या Mg+। अब देखो दोनों से करके देख लो, अगर आप MgO को Mg को ऑक्सीजन, क्योंकि एक ही एक होगा, या तो ऑक्सीजन और ऐसे कर लोगे और या तो ये वाला, दो ये दो यूज होंगे बस, यही दोनों अलग अलग होंगे क्योंकि अलग अलग ही हो सकते हैं, चारों से मिक्स नहीं हो सकते। भैया तो Mg ऑक्सीजन के साथ कर ले, अगर Mg ऑक्सीजन के साथ कर लेगा तो फिर से भैया MgO बना देगा, फिर जरूरत कोई नहीं है प्रोडक्ट करवाने की। तो Mg करेगा OH के साथ, तो Mg की रिएक्शन Mg++ को OH- के साथ करो, जब करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो MgOH2 MgOH2 बन जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। सर ये तो समझ में आ गया सर, एक डाउट फिर क्या नहीं आया बताओ, समझ में क्या नहीं आया? सर जैसे आपने अभी जो सबसे पहले कराया था MgO प्लस H2SO4, तो सर उसमें तो आपने चारों यूज किए थे। क्या चारों यूज किए थे? सर उसमें आपने मतलब दो बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था। कहां तो किया था? दिखा रहा हूं, वेट करो MgO प्लस H2SO4 ये भी बताया हुआ है यार कि कितना चार्ज होता है SO4 माइनस माइनस पे, कोई चीज छोड़ी ही नहीं है मैंने। अब Mg की रिएक्शन करो प्लस, हमें पता था ये सब होने वाला है आगे रिएक्शन में, इसीलिए पहले बताया था यहाँ पर एस प्लस में टूटेगा और ये एसओ फोर माइनस माइनस में टूटेगा, और ये इसको 2S प्लस कर सकते हो, बाकी चाहे तो एस प्लस अकेले रहने दो, देख सकते हो दोनों कहाँ चारों यूज तो इसने भी किया है, बताओ इसने भी तो चारों यूज कर लिया है, यहाँ भी चारों यूज किया है, आप रिएक्शन यहाँ भी कर सकते हो। Mg++ के बाद दो ऑप्शन है, कौन से दो ऑप्शन है बेटा? SO4 के साथ कर सकता है और ऑक्सीजन के साथ कर सकता है, या तो ऑक्सीजन माइनस माइनस कर सकता है या तो SO4 माइनस माइनस के साथ कर सकता है। और यहाँ पर ये ऑक्सीजन माइनस के पास कितने ऑप्शन है? टू ऑप्शन, Mg+ और Mg++ H+। करेगा किसके साथ Mg++? सर Mg++ ऑक्सीजन करेगा। क्यों करेगा SO4 के साथ? क्योंकि सर दूसरा कंपाउंड बनाना है, तो यहाँ पर MgSO4 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस सर। यस सर। और यहाँ पर किसके साथ ऑक्सीजन किसके साथ करेगा, Mg के साथ या हाइड्रोजन के साथ? हाइड्रोजन, क्योंकि क्यों क्यों Mg के साथ नहीं करेगा सर? क्योंकि उसको बन जाएगा, क्योंकि उसको MgO ही बन जाएगा सर। अच्छा अगर ऑक्सीजन माइनस माइनस और हाइड्रोजन के बीच में करोगे तो क्या बनेगा? H2O वाटर, H2 बन जाएगा, H2O। अब ये मत कह देना कि OH2 बन जाएगा, वो सेम ही चीज होती है बेटा,
OH2 और H2 में डिफरेंस नहीं है। तो सर मतलब अगर किसी ने पूछा करना है तो दोनों लिख सकते हैं या फिर एक लिखना है? क्या दोनों लिख सकते हैं सर? MgSO4 लिखेंगे कि H2 लिखेंगे? MgSO4 H2O दोनों लिखोगे यार, क्यों एक लिखोगे यार? रिएक्शन करेंगे तो ये MgSO4 प्लस H2O दोनों आएगा, तभी तो बोला कि साल्ट और वाटर दोनों बन करके आएगा यार। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा। सर ये वाला तो नीचे वाला तो समझ आ गया सर, ऊपर वाले में Mg से OH करा है सर, सर ऑक्सीजन का नहीं करा आपने? सर जो नीचे वाला MgO प्लस H2SO4 है वो तो सर समझ आ गया आपने, दोनों से करा है, O से भी करा और Hg से भी करा सर, लेकिन जो ऊपर वाला है MgO H2O सर उसमें आपने मैग्नीशियम का तो कर लिया सर, ऑक्सीजन का नहीं करा? ऑक्सीजन का भी होता है बेटा, ऑक्सीजन का भी होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन का भी होता है, लेकिन इस साइड भी आप चाहोगे तो H2O लिखोगे, पर अगर दोनों साइड H2O है, इधर भी H2O लिखा है और इधर भी H2 लिखा तो वो कैंसिल करेगा, इसलिए एक साइड ही लिखो तो अच्छा है, चाहो तो लिख लो वाटर यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है हमारे अच्छा लिए। सर ओके सर, बस इतनी देर से यही डाउट था। लेकिन यहाँ पर 5H2O है, यहाँ पर 3H2O है, तो अगर इसको आप इधर कन्वर्ट करोगे, मान लो अगर 5H2O आया, क्योंकि इधर ज्यादा ही आएगा हमेशा, अगर 5H2O आया इधर 3H2O आया तो उधर जाके कैंसिल ही हो जाएगा, तो 2H2O ही बचेगा, इसलिए राइट साइड वाला हमने दिखाया नहीं है। अभी समझ में आया? ओके सर। रिएक्शन करो फिर, रिएक्शन करो, रिएक्शन रिएक्शन करो, रिएक्शन करो। B2O3 प्लस H2O सब B2O3 प्लस H2O CaO प्लस H2O Na2O प्लस H2O K2O प्लस H2O Li2O प्लस H2O करो रिएक्शन। अरे आपने सी से क्या लिखा है आगे? CaO कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड है बेटा। एक मिनट 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 पानी लिख रहा है, लिखो रिएक्शन लिखो। आवाज नहीं आ रही, हो गया बेटा? यस सर। सबका हो गया? यस सर। सबका हो गया? सर लास्ट बचा है, पांच सात रिएक्शन बता दिया, अब तो आराम से हो जाना चाहिए, मुझे नहीं लगा कोई दिक्कत होगी। ये तीनों सेमी बनेंगे, सेमी तरीके से बनेंगे, और ये दोनों ये अलग बनेगा, ये थोड़ा अलग बनेगा सर, इजी है। हाँ एक बार करो सही से आ जाएगा। सर हो गया, हो गया ठीक है, और लोगों को देखने दो। सर डन।
रिएक्शन है पहले ही बता रहा हूँ, इसके बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन रिएक्शन पहले ही जान लो कैसे लिखनी है। अब यहाँ पर क्या बना बेटा, कोई बताएगा? सर BOH होल थ्राइस। BOH BOH होल थ्राइस। यहाँ पे सर BOH थ्री बना। CAOH होल थ्राइस। यहाँ पे OH होल थ्राइस। NAOH KOH KOH LIOH LIOH। आगे लिखना सर, वेरी इजी। यस सर। दिक्कत? नो सर। नो सर। रिएक्शन लिखना जानना, अगर लिखना जानोगे तो रिएक्शन कहीं भी आएगी, कोई भी आएगी, एटलीस्ट प्रोडक्ट बना लोगे और चीजें अच्छी हो जाएंगी। अगर रिएक्शन को पढ़ने लग गए, अगर रात रटने लग गए तो रिएक्शन पूरी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। ये बात दिमाग में रखना, जब भी रिएक्शन को पढ़ना ऐसे ही रिएक्शन को पढ़ना, कि रिएक्शन कैसे बन रही है उस चीज को जानने की जरूरत है। चलो अगला लिखते हैं। ये हो चुका है अभी, वो एम्फोट्रिक ऑक्साइड वाला बता दिया, आप घर पे करके देख भी सकते हो उस चीज को। अरे सॉरी, आयरन ऑक्साइड वाला। ओके सर। अभी ओके, सर। अभी हम पढ़ते हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड की तरफ। क्या एम्फोट्रिक ऑक्साइड, सबको पता है क्या होता है? यस सर। बेटा किसको नहीं पता है ये बताओ पहले। मेटल और नॉन मेटल का मिक्स सर। हाफ मेटल होते हैं, हाफ मेटल, हाफ मेटल, हाफ मेटल और मेटल, जिनमें दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, और हाफ नॉन मेटल। लिख लो, इट कैन बोथ, वी हैव बोथ एज अ बेसिक एंड मेटल ऑक्साइड। क्या होता था? मेटल प्लस ऑक्सीजन। मेटल प्लस मेटल ऑक्साइड क्या होता था? बेस है एसिड सर। बेस 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 सर। बेस। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड एसिड। और एम्फोट्रिक ऑक्साइड क्या होता था? बोथ एसिड एंड बेस। बोथ एसिड एंड बेस। बोथ एसिड एंड बेस। यहाँ पर यही लिखा हुआ, इट कैन बी हैव बोथ एज ए बेसिक एंड एसिडिक कंपाउंड। और इसको कौन कौन से एम्फोटिक ऑक्साइड और कौन कौन से एम्फोटिक मेटल होते हैं? ठीक है, अब इनके ऑक्साइड्स क्या होंगे? एम्फोट्रिक ऑक्साइड नॉन मेटल, मेटल की बात नहीं करते, वो तो मैंने उसलिए उस दिन बता दिया था ताकि आपको केवल बस आइडिया रहे, अगले दिन एग्जाम था इसलिए मैंने बोल दिया था उसको। बाकी एम्फोट्रिक जो होते हैं वो एक तरीके के मेटल, एम्फोट्रिक जब भी बात करेंगे वो ऑक्साइड्स के फॉर्म में आएंगे। एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक और बेसिक दोनों ही होते हैं। और जो मेटालाइट्स होते हैं, मेटालाइट्स क्या करते हैं, वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में कुछ लाइंस होती हैं, क्रॉस लाइंस, उन क्रॉस लाइन को बोलते हैं मेटालाइट्स। क्रॉस लाइन के बीच में वो आते हैं। एक दिन मैं उसको बताऊंगा, टेंशन मत लो, जिस दिन आपका सेटअप खत्म होगा। सर आपने जो उसका लर्निंग में बताया था उसने पीबी का क्या बताया था आपने? एसएन तक लिख लिया था। पीबी का आपने कुछ बताया था? पढ़े पढ़े ठीक है। चलो रिएक्शन विद वाटर। लावे अली सनक पड़े सर, यही है ना इसका शॉर्टकट? हाँ, मेटल रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, लिखो डिफरेंट मेटल behaves differently in their chemical reaction reaction to sari aa jayengi, bas keval aap inki qualities likh lo, reaction pata chale, qualities yaad karni padengi beta, तो याद करना है इसको।
और रट के रखना इसको. इट फ्लोट्स. सर जो आपने अभी मुझे बोला ये मेटल रिएक्शन विद वाटर से, ये तो अभी आपने बताया था ना रिएक्शन, वही वाले हैं ना? हाँ वही आएंगे आगे, टेंशन मत लो, जो भी बताए थे वही आगे आएंगे. इट फ्लोट्स. यहां पर लिखना व्हेन Na and Ka, Na and K react with cold water. तो सोडियम और पोटेशियम को ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले लिखना it floats and at the same time it floats and at the same time melts to form a silvery ball of मेटल. दूसरा द सिल्वरी बॉल ऑफ मेटल डॉट्स ओवर द सरफेस ऑफ वॉटर with a hissing noise producing. सर ये मेटल के बाद आपने क्या लिखा है? सर ये डार्ट्स का मतलब क्या होता है? मतलब उसमें निकलता है ऐसे पूरे सरफेस के ऊपर, जैसे ऐसे कभी आपने हवा एक एक से निकलते हुए देखी हो तो अजीब से नॉइस आती है उसमें हिसिंग टाइप की, वैसे ऊपर की तरफ बुलबुले बनाते हुए निकलता है हिसिंग नॉइज के साथ, मतलब उसके लेयर निकलती है. सर प्लीज कैन यू रिपीट, आपने क्या बोला? बेटा जैसे कभी आपने हवा वगैरह देखा हो ना ऐसे एक एक से ट्रक वगैरह के बगल से निकलती है तो उसमें मतलब, या फिर उसके टायर से निकलती है तो वैसे इसमें लेयर के ऊपर ना या वाटर सरफेस के ऊपर उसमें जो भी सरफेस होता है मेटल सरफेस जो रिएक्ट करता है उसके ऊपर ऐसे हिसिंग नॉइज के साथ वो ऊपर की तरफ मेटल एक अजीब टाइप की नॉइज होती है वो प्रोड्यूस होती है ऊपर की तरफ. ओके सर. ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलती है. क्यों निकलती है वो आपको दिखा दूंगा. अच्छा एक चीज थोड़ा यहाँ पर गलत हो गया था एक्चुअली. यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो Na प्लस है ना, अब यहाँ पर बनेगा Na प्लस, जितने डबल पॉजिटिव वाले हैं या फिर डबल ट्रिपल चार्जेस वाले हैं वो तो वाटर देते हैं. लेकिन जैसे Na प्लस है ना, मान लो Na प्लस है तो Na प्लस में टूटेगा प्लस ऑक्सीजन माइनस माइनस में टूटेगा और यहाँ पर H2 होता है H2O और मतलब H प्लस और OH माइनस में टूटेगा. तो ये क्या करता है, जो Na होता है वो तो बना लेता है इसके साथ NaOH, ऑक्सीजन एज इट इज रिलीज हो जाती है वाटर के फॉर्मेट में और इसमें H2 गैस भी निकलती है. इसको याद रखना है Na2, जब भी कोई एल्कली मेटल रिएक्ट करेगा सोडियम ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड और लिथियम ऑक्साइड ये H2 गैस भी देते हैं. वाटर के संग रिएक्शन करने के बाद सर क्या वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद वो H2 गैस, जब कोल्ड वाटर हम लेते हैं ना, कोल्ड वाटर हम लेते हैं तो
तो कोल्ड वाटर के साथ ये अगर डायरेक्ट मेटल, हाँ नहीं नहीं यहाँ पर तो ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन जब ये क्या कहते हैं एल्कली मेटल रिएक्ट करेगा ना, इसका एल्कली मेटल अगर रिएक्ट कर रहा है तो एल्कली मेटल सीधे सीधे ऑक्सीजन तो होता नहीं है, वो तो डायरेक्टली बस केवल OH के साथ बॉन्डेड होता है, तो वहां पर तो ये आ जाएगा, लेकिन फिर सीधे सीधे हाइड्रोजन गैस। सर वॉइस इज ब्रेकिंग वेरी, सर आप रिपीट कर दीजिए वॉइस। यस सर प्लीज। देखो यहाँ पर है बेटा, देखो दो चीजें हैं, एक Na2O प्लस H2O गिब्स, यहाँ पर आपने भी प्रोडक्ट बनाया था थोड़ी देर पहले, तो ये बना था Na प्लस ऑक्सीजन माइनस माइनस प्लस H प्लस और ऑक्सीजन H प्लस और OH माइनस, यही हुआ था ना, तो ये क्या बनाया था Na प्लस OH माइनस साथ किया था तो Na-OH बना था, और ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ हुआ था क्या बनाया था H2O, तो यहाँ पर बना था NaOH प्लस H2O, ये बना था, यही बना था सबका OH। यस सर। ओके, अगर यही रिएक्शन हो जाए ऐसी कि यहां पर Na2O की जगह Na अकेले हो प्लस H2O हो, तो यहां पर H Na क्या करेगा, Na प्लस में रह जाएगा और ये क्या होगा H प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। तो यहां पर सोडियम के लिए तो हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए फिर कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं होगा, और इसको हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाना पड़ता है, और यहां पर बनता है NaOH प्लस H2, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता है। सर तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा H, ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर क्या ऐसे लिखना पड़ेगा सर, मतलब उसका बॉन्ड नहीं बनना तो फिर ऐसे ही लिखेंगे हम H, H प्लस नहीं लिखोगे, वो H2 बनता है, अगर हर किसी में H2 ही बनेगा, H2 क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी ऑक्सीजन लिखते हो आप O2 के फॉर्म में लिखते हो, हाइड्रोजन लिखते हो आप H2 के फॉर्म में लिखते हो, नाइट्रोजन लिखोगे आप N2 के फॉर्म में लिखोगे, ऑक्सीजन लिखोगे हाँ ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनके Cl2 इनके 2 ट्वाइस बनते हैं, इन चार को आप लिख सकते हो, तो ये हाइड्रोजन H2 बन जाता है, ऑक्सीजन O2 बन जाता है, नाइट्रोजन N2 बन जाता है, इसका बॉन्ड होता है ऑक्सीजन सर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, Na को जब H2O से रिएक्ट करेंगे तो सर NaOH प्लस हाइड्रोजन बनेगा। यस बेटा, जब मेटल रिएक्शन करेगा मेटल अकेला रहेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेगा, अब यही से समझ सकते हो, अगर मेटल के साथ एक ऑक्सीजन भी होगा तो हाइड्रोजन गैस के बगल में एक ऑक्सीजन भी लगा देगा, तो वाटर वही बन जाएगा, जब यहाँ पर एक मेटल के साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट था तो यहाँ पर भी H2 ही बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन भी उसने बगल में दे दिया था क्योंकि एक ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद था, लेकिन इस वाले में अगर आप देखो तो कोई ऑक्सीजन मौजूद नहीं था, इसलिए H2 की बनाने की कोशिश तो इसने की और एज इट इज H2 का H2 ही रह गया, ऐसे इसको याद कर सकते हो, यहाँ पर तो H2 बनाने की कोशिश की तो इसने ऑक्सीजन भी दे दी क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट था इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं था इसलिए ये नहीं दे पाया, तो यहाँ पर NaOH तो बन गया क्योंकि एक Na प्लस और OH माइनस था, लेकिन दूसरा H2 ही एज इट इज बना लेगा। हाँ बेटा बोलो सर, जैसे कि H का बॉन्ड नहीं बनना है, H प्लस का बॉन्ड नहीं बनना, तो हम सिंपली प्लस करके H2 लिख देंगे, H का बॉन्ड नहीं बनना, हाँ सिंपली प्लस करके H2 लिख देना, क्योंकि H और H के बीच में ऑलरेडी बॉन्ड बनता है, वो आपको आगे केमिकल वार्निंग बताया जाएगा कैसे बॉन्ड बनता है, लेकिन आप जान लो कि H और H के बीच में बॉन्ड बनता है, O और O के बीच में बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनता है, अगर यही Na2 हो जाता, Na2 हो जाता, K2 हो जाता, ये सब गलत होती है, सब नहीं बनते, लेकिन ये चार बनते हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन नाइट्रोजन Cl2 आयोडीन भी बनाता है I2, ये चार पांच। आपने कल इस फॉर्म का एक नाम बताया था कि O O2 के फॉर्म में पाया जाता है, अगर O O2 के फॉर्म में है तो इसको बोलेंगे ऑक्सीजन, अगर O अकेला है ऐसे लिखा अकेला लिखा होगा तो इसको बोलेंगे नेसेंट ऑक्सीजन। ओके सर, थैंक यू सर। सर मतलब कोई भी है, मतलब जैसे कि इन पांचों में से कोई भी अकेला होगा तो हम उसके आगे नेसेंट लगा देंगे, नहीं ऑक्सीजन के लिए ऐसा होता है, मैंने तो ऑक्सीजन का ही ज्यादा सुना है, लेकिन हाँ कर सकते हो सब में अकेला। ओके सर, ठीक है, अकेला नहीं लिखते हैं का मतलब उदासीन, हिंदी में इसको बोलते हैं उदासीन। ओके सर बेटा ठीक है, अभी तीसरा पॉइंट लिखा दूं फिर आगे मैं रिएक्शन बताता हूँ, रिएक्शन तो आपको बता ही दिया ऑलरेडी, इसलिए मैंने पहले रिएक्शन बताई फिर आगे बताया, तो तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो बेटा, भूलना मत रिएक्शन, अगर रिएक्शन अगर मैंने ऐसे बताई है तो कभी भूलना नहीं चाहिए, और पेपर में आएगा अभी भी बता दे रहा हूँ, पेपर अगले संडे को है आपका, समझे सर, ये अभी जो संडे आएगा हाँ
12 तारीख को। हाँ सर, थर्ड पॉइंट, दिस सिल्वरी बॉल बिकम्स, बस ये पॉइंट्स याद रखना और पॉइंट्स का रिएक्शन तो आपको आप बना ही ले जाओगे, पॉइंट्स याद रखना बस कि क्या होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल करके दिखा नहीं सकते इसलिए आप हर चीज वहां पे बता नहीं सकते, बस बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। आप चाहो तो यूट्यूब वगैरह पे प्रैक्टिकल देख सकते हो अपने हिसाब से एक बार। ओके सर। यस सर, मैंने सोडियम प्लस वाटर का देखा था, वो ऐसा ब्लास्ट हो जाता है। सर कहाँ पे देखना है प्रैक्टिकल? अरे यूट्यूब पे देख लेना यार, अगर प्रैक्टिकल वगैरह आपको देखने होते हैं ना यूट्यूब पे होते हैं वीडियोस, पड़े होते हैं यूट्यूब पे देख लिया करो। सर जो पिछले टेस्ट में आया था वो भी आएगा? ऑब्वियसली सिलेबस पूरा रहेगा बेटा। ऐसे ब्लास्ट सा होता है ये, मतलब पूरा पूरा चैप्टर आएगा इस बार। क्या मतलब पूरा चैप्टर आएगा इस बार? हाँ सर। प्लीज आप ऊपर कर सकते हैं सर, आपने नेक्सेंट के नीचे क्या लिखा है? कहाँ पे बेटा? उदासी हिंदी लिखी हुई है। अच्छा ओके सर। रिएक्शन बनाना आ गया ना? Yes, sir. Yes, sir. बस चार्ज के साथ केवल कंपाउंड रनर सीखो, रिएक्शन अपने आप बनती जाएगी। इसलिए चार्ज को बार बार ध्यान में देखो, जितने कंपाउंड बन सकते हैं उनमें चार्ज को फाइंड करो। एक बार क्या नीचे उदासीन हिंदी होती है बेटा। बेटा किसी ने मुझे मैसेज किया है कि मैं ब्लॉक हो चुका हूँ, मीटिंग ब्लॉक है इसलिए मैं ऐड नहीं हो सकता, लेकिन मैं बेटा कैसे ऑन कर दूं? फिर कोई और एंटर कर जाएगा। रिकॉर्डिंग तो अपने बच्चों को हम दे ही देंगे, आज ये लास्ट क्लास है जब रिकॉर्डिंग नहीं, जब वो नहीं क्लास में एंटर कर पा रहे हैं, लेकिन बेटा कोई ऐड हो जाएगा तो दिक्कत है, तो क्लास नहीं चल पाएगी, इसलिए सॉरी सर। यस बेटा, यस सर, आप थोड़ा सा सर नीचे कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। सर फाइव के पहले क्या लिखा है आपने? क्या फाइव के पहले? फिर फायर की पहले कैच द फायर। सर सेकंड वाले का एक बार मींस रिपीट कर दोगे आप? क्या सेकंड वाला आप एक बार समझा दोगे? बिल्कुल द सिल्वरी बॉल ऑफ द मेटल डार्ट्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर विद अ हिजिंग नॉइज प्रोड्यूसिंग टीनी बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं उसमें ऊपर की तरफ, और जैसे गैस नहीं कभी छूटती है, कैसे टायर वैसे आप देखे होंगे कोई ट्रक जाता होता है तो एक ऐसे गैस छूटती है, तो बस ऐसे थोड़ा सा ऐसे हिसिंग सी नॉइज आती है ना उसमें गैस में छूटती है तो कभी yes, ट्रक के बगल में तो yes, वैसे ही कुछ, वैसे ही कुछ एकदम छोटी सी बस एकदम स्मॉल सी, बहुत लाउड नहीं होती, बस छोटी सी आवाज होती है, वैसे हिसिंग सी नॉइज आती है और उसमें हाइड्रोजन के बुलबुले ऊपर की तरफ निकलते हैं जब रिएक्शन होती है तो। सर और पॉइंट्स हैं? हाँ बेटा, आप जो भी रिएक्शन होगी केवल उसके पॉइंट्स हैं, तो एक एक रिएक्शन लिखते जाते हैं उसके पॉइंट्स। सर ये सिर्फ Na और K के संग ही क्यों होता? बेटा उसकी पर्सनल क्वालिटीज है बेटा, वो तो पढ़ना पड़ेगा यार, वो याद करना ही पड़ेगा। ओके सर ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं सोडियम के लिए। एक जो पहले सबसे बड़ा स्टेटमेंट है वो देखो, इन केस ऑफ Na it burns with golden yellow flame, it burns with golden yellow flame in case of potassium, it burns with lilac flame. सर वो with के बाद क्या लिखा है? Lilac, ऊपर वाले में लिखा हुआ है in case of sodium it burns with
burns with golden yellow flame. And in case of potassium, it burns with lilac flame. Lilac is a color जो कि pale violet kind का होता है. ये pale violet sir, kind spelling बोल दीजिए. LILAC, lilac, LILAC. ये होता है color. और color कौन सा होता है? Pale violet. मतलब वॉयलेट में थोड़ा सा व्हाइट मिक्स होता है, वैसा कलर आता है इसका. ठीक है, रिएक्शन लिखो बेटा. यस सर. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बेटा बोलो. सर इन केस ऑफ के मतलब पोटेशियम सर, वो आपने विथ के बाद क्या लिखा है? इट बर्न्स विथ लिलैक फ्लेम. लिलैक फ्लेम जैसे ये गोल्डन येलो फ्लेम थी ना इसकी, मतलब सुनहरा पीला रंग होगा ना उसका जो फ्लेम निकलेगी. अच्छा हमारे, अच्छा ये बताओ कि जो हम माचिस जलाते हैं तो गोल्डन येलो ही तो आती है ना फ्लेम लगभग. यस यस सर. तो अगर अगर पोटेशियम जब रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, और ये कब है पता है? जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो, और यहाँ पर पोटेशियम जब वाटर साथ रिएक्शन कर रहा है तो ऐसा हो रहा है. तो पोटेशियम जब वाटर साथ रिएक्शन करेगा तो वहां पर क्या होगा? लिलैक कलर का फ्लेम आएगा. कोल्ड वाटर या सिंपल वाटर? कोल्ड वाटर. ओके सर. लिखो रिएक्शन, लिखो सोडियम प्लस H2O गिब्स, क्या बन जाएगा बेटा? NaOH प्लस NaOH H2 प्लस H2. कोई दिक्कत? नो सर. चाहो तो बैलेंस कर सकते हो. अब चाहो तो यहाँ पर अभी बैलेंस नहीं है रिएक्शन. अभी लेफ्ट साइड में एक एन ए है, राइट साइड में एक एन ए है. ठीक है, लेफ्ट साइड में दो हाइड्रोजन है, राइट साइड में एक दो तीन हाइड्रोजन है. लेफ्ट साइड में एक ऑक्सीजन है, राइट साइड में एक ऑक्सीजन है. तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है. अगर मैं चाहूं तो इसको बैलेंस करने के लिए कुछ कर सकता हूं. और कुछ करने के लिए सबसे पहले यहां पर दो से मल्टीप्लाई करो, यहां पर दो से मल्टीप्लाई. इसको बेटा कैसे भी इसको बैलेंस करना पड़े कर सकते हो अपने दिमाग लगाकर. यहाँ पर अगर तीनों में दो से मल्टीप्लाई कर दोगे, अभी बैलेंस हो चुका है. आप देखो ये भी 2Na है, ये भी 2Na है. यहाँ पर 2H2 4H2 है, इधर 2H2 प्लस H2, यहाँ पर 4H2 है. यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है. बैलेंस हो गया राइट साइड लेफ्ट साइड? यस सर. तो कैसा भी करके बैलेंस करना पड़े कर देना. लेकिन अगर नहीं बैलेंस कर रहे हो, डायरेक्ट Na प्लस H2O यहाँ पर लिख रहे हो और गिब्स NaOH प्लस H2, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, अब क्वेश्चन कोई बताएगा तो आई विल अप्रिशिएट. मैम दोनों तरीकों से लिख सकते हैं बैलेंस करके? हाँ बेटा, एक क्वेश्चन है पहले वो लिखो. ए मेटल एटॉमिक वेट 23 व्हेन रिएक्ट विथ cold water gives a base and also a gas. Find the atomic number of gas. If anyone can solve it, I'll appreciate it. Sir. Sir, either it may be 11 or 19. Wrong. There is not any gas at the atomic number 11 and 19. You can see the periodic table and you can see also the, yes, sir, the situation. Potassium is at 19 and 11 is the sodium. So that is not a gas.
I'm just asking the atomic number of that gas. Sir, it is 1. Sir, 1. For 1. 1. Yeah, it is 1. Anyone else? आप जब भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की के लिए जाओगे, तो आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि सोडियम हाइड्रोक्स सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा. आप सिंपली रिएक्शन लिखोगे, बैलेंस करोगे और घर चले आओगे और आपको नंबर मिल जाएगा. आपको जरूर घुमा के क्वेश्चन मिलेगा. तो आप इस चीज को समझ के चलो. अगर आपको चीजें पढ़नी है, अगर पढ़ना है आगे, तो आपको माइंड थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा. कोई बड़ी चीज नहीं बोली है मैंने यहाँ पे, बहुत सिंपल सी चीज बोली थी. ए मेटल एटमिक वेट 2300 रिएक्ट विद कोल्ड वाटर गिव्स अ बेस एंड आल्सो ए गैस. फाइंड द एटमिक नंबर ऑफ गैस. अगर आपको इतना ही दिमाग होता तो आप सीधे केवल यही रिएक्शन देख लेते, आपको पता चल जाता. एक बार बताऊं, जो सोडियम होता है इसके पास जो एटमिक नंबर होता है वो 11 होता है और जो इसका एटमिक वेट होता है 23 होता है. ठीक है, अब ये 23 है एटमिक नंबर, 23 एटमिक वेट है. और व्हेन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, मतलब कि सोडियम ने कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करी है, तो सोडियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो H2O बनाएगा और यहाँ पर कोल्ड होगा. ये तो कोल्ड के साथ यहाँ पर रिएक्शन हमने करके ऑलरेडी दिखा दी है. तो जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो कुछ कंपाउंड बनाएगा. एक तो इसने NaOH दिया था ऑलरेडी, हमने यहाँ भी ये भी बोल दिया गिव्स अ बेस, तो ये तो हो गया बेस. एंड ऑल्सो एक गैस, तो यहाँ पर एक गैस भी मिलती है जिसको H2 बोलते हैं, ये हो गया गैस. Find the atomic number of that gas. क्या इसका atomic number किसी को नहीं पता है? Sir, one है इसका. One. तो hydrogen का atomic number तो one होता है ना बेटा? तो one is answer. Okay sir. Yes sir. No sir. Atomic weight भी याद करने पड़ेंगे. Obviously थोड़ी बहुत चीजें तो याद करनी ही पड़ेंगी. Sir कुछ point में होते हैं उनका ध्यान भूल जाते हैं. बेटा points. देखो क्रिटिकल चीजें इंसान जरूर करना चाहता है, ये प्रवृत्ति होती है हर इंसान की कि वो हमेशा कठिन चीजें चूज करता है, पता नहीं क्यों. पॉइंट में क्यों जाओगे, पॉइंट में मत जाओ, केवल पॉइंट के आसपास की चीजें ही याद कर लो. सोडियम का तो 23 फिक्स ही लगभग होता है, हर कोई जानता है सोडियम का, इसीलिए मैंने इसका एटमिक वेट सीधा दिया, एटमिक नंबर ही दे देता. अगर कोई कठिन होता ना, अगर बहुत हार्ड होता तो मैं एटमिक नंबर ही दे देता सीधे, लेकिन एटमिक वेट दिया क्योंकि सोडियम को सब हर कोई जानता है कि 23 होता है. कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में? नो सर. ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे. ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं. तो यहां पर आपको मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये NaOH को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड. अच्छा तो ये भी दिक्कत है, रुको बताते हैं. NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, सब बताया हुआ है क्लास में, सब एक तरफ से चार बताते हुए बताया हुआ था. AlOH का होल ट्राइस, MgOH का होल ट्वाइस, LiOH, RbOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. या जो भी एलिमेंट है वही बोल दो. एलिमेंट कैल्शियम है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम है तो लिथियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम है तो रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, जो भी होगा उसका हाइड्रोक्साइड. क्या दिक्कत है इसमें? अब यही अगर अगर एम एस सी एल होता, एन ए सी एल, के सी एल, सी ए सी एल टू, ए एल सी एल थ्री, एम जी सी एल टू, एल आई सी एल, आर बी सी एल, भैया कोई दिक्कत नहीं है. NaCl का सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, क्या दिक्कत है? यस सर. अभी यही ऑक्साइड था ना थोड़ी देर पहले, Na2O, K2O, CaO, Al2O3, MgO, Li2O, Rb2O, बेटा कुछ नहीं है. सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, क्या दिक्कत है बेटा? नाम ही तो लिखना है केवल. समझ में आया? यस सर. यस सर. ओके चलो आगे लिखते हैं. तो ये हमने सोडियम वाला लिख लिया, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा बेस और यहां पर बनाएगा क्या?
यहाँ पे लिख दिया था, ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस और यहां पर वाटर जो कि कोल्ड होगा और ये सोडियम। जब ये रिएक्शन करेगा तो जो क्वालिटीज हमने लिखाई हैं वो होगा, इनके हिसाब सोडियम इट बर्न्स विद गोल्डन लो फ्लेम, ये गोल्डन लो फ्लेम के साथ आएगा। अगर हम पोटेशियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो पोटेशियम भी ऐसे ही रिएक्शन करेगा, पोटेशियम प्लस वाटर क्या बनेगा बेटा? KOH प्लस हाइड्रोजन प्लस H2, ये हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोजन। दिक्कत बैलेंस नहीं है तो कर लो बेटा बैलेंस, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा बैलेंस, कर लो बैलेंस। हो गया कि नहीं हो गया? यस सर, हो गया। यस सर, यस सर, करने की कोई जरूरत नहीं है बार बार, लेकिन कर सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, एक बार आप एक और बार बैलेंस करना सिखाएंगे प्लीज? बेटा बैलेंस करने का ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस कुछ भी करके इक्वल कर दो, कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर चार, हम तीनों में चार चार से मल्टीप्लाई कर सकते थे, चार से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर 2 और आ जाता, हम चार से मल्टीप्लाई कर देते यहाँ पर चाहते तो यहाँ पर 2 और भेज देते, ये पूरा पूरा बैलेंस था। अब यहाँ पर 4K है, यहाँ 4K है, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर चार दो दो चार या चार, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, पूरा पूरा बैलेंस है। बैलेंस करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस कुछ भी करके उसको बैलेंस कर दो लेफ्ट और राइट को, कोई ना कोई चीज से मल्टीप्लाई होगा और बैलेंस हर रिएक्शन हो सकती है, तो पक्का पक्का कुछ ना कुछ हो सकता है उधर, ये देख लेना आपके यहाँ से। अब इसी मैथमेटिक्स से कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चल के 11th क्लास में ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड होते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होते हैं बैलेंस करने के लिए, लेकिन अभी के लिए आपको बस ऐसे ही बैलेंस करना पड़ेगा, जो जैसा भी कर सकते हो बैलेंसिंग में, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत? यस सर, नो सर। चलो अब लिखते हैं कैल्शियम के लिए, लिखो आगे, व्हेन कैल्शियम मेटल, तो रिएक्शन तो आपको आती है, बस आप ये जानो कि हो क्या रहा है। इज ड्रॉप्ड इन वाटर पहला, सर ये नॉर्मल वाटर है ना? हाँ सर, ये नॉर्मल वाटर है या नॉर्मल नॉर्मल वाटर है? देखो नॉर्मल वाटर तो पोटेशियम वाला भी था एक्चुअली, केवल सोडियम वाला ही था वैसा कोल्ड वाटर, दिस इज द नॉर्मल वाटर। It sink in water. Okay. It sink in water. Sir, your voice is not coming if you are speaking something. Not saying anything, beta.
सर हाइड्रोजन के क्यों बबल निकलते हैं? क्योंकि गैसियस होती है बेटा, गैस से बबल निकलते ही है, निकलते गैस के बबल्स है, गैस जहाँ पे होती है वहीं पे तो बबल्स होते हैं, बुलबुले वहीं पे उड़ते हैं बेटा। ओके सर। क्या कोई रिएक्शन लिख सकता है? Yes sir, Ca plus H2O makes CaOH plus H2. सर आपने पार्शियली क्यों लिखा है? बेटा बहुत कम फॉर्मेशन होता है इसका। ओके सर। नहीं नहीं एक्चुअली फॉर्मेशन तो होता है लेकिन ये जो उसमें वाटर होती है ना फॉर्मेशन बहुत कम होता है, लेकिन जो ये क्योंकि वाटर में होता है ना, वाटर के साथ फॉर्मेशन होता है तो इसमें सॉल्युबल बहुत कम होता है, मतलब वाटर के साथ बहुत पार्शियली सॉल्युबल होता है और इसलिए कहते हैं फॉर्मेशन भी उसका बहुत कम ही होता है क्योंकि वो जो सॉल्युबल नहीं होता है तो वो दिखाई नहीं पड़ता उसके अंदर, क्योंकि मिल्की ब्लू तो होता है वो कलर जो रंग होता है ना जिसमें डिजॉल्व होता है उसका, वाटर का डिजॉल्व होता है ना, वाटर में ही डिजॉल्व होता है इसलिए उसको मिल्की ब्लू बोलते हैं, और फॉर्मेशन तो हो जाता है लेकिन वो डिजॉल्व उतना अच्छा नहीं होता, तो उसको आप बोल सकते हो कि लेस सॉल्युबल, यहाँ पर लिख सकते हो लेस सॉल्युबल। बेटा यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, नाम लिख लेना, आई डोंट थिंक किसी को रिएक्शन लिखने में दिक्कत होगी। रिएक्शन लिखना ही एक बड़ा टास्क होता है पर अगर आप रिएक्शन में माहिर हैं तो आप समझ लीजिए कि केमिस्ट्री की जंग जीत चुके हैं। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी भी बहुत ऊपर तक लेके जा सकता है क्योंकि सबसे इजी सब्जेक्ट होता है फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में सबसे इजी सब्जेक्ट केमिस्ट्री होता है, आप बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे उसमें भी केमिस्ट्री ही आपको आगे लेके जाएगा क्योंकि केमिस्ट्री के मार्क्स बहुत ज्यादा आते हैं और बहुत कम टाइम में आते हैं, बहुत इजिली सॉल्व भी होती है और बहुत ज्यादा मार्क्स भी कंटेन करवाती है। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर डन रिएक्शन समझाया है तो सर रिएक्शन सिर्फ ऐसे ही आएंगे सर और हाई लेवल पे नहीं जाएंगे? रिएक्शंस ऐसे ही होती है बेटा, ये 12th क्लास में भी ऐसी रिएक्शंस है, पता है ये सेम रिएक्शन कैल्शियम, जब आप अभी 12th क्लास में जाओगे ना, 12th क्लास की बात बता रहा हूँ, 12th क्लास में जब जाओगे और आप एल्कली मेटल और एल्कलाइन एसिड मेटल पढ़ोगे ना, कैल्शियम फैमिली जो वो पूरा पीरियड टू है या पीरियड वन पढ़ोगे, सेम रिएक्शन आपको 12th क्लास में मिलेगी, यही रिएक्शंस ये हाई लेवल की ऑलरेडी है बेटा, उनके अंदर जो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चीजें हैं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, सब कुछ लिखा दिया गया है। ओके सर। बात करते हैं मैग्नीशियम के लिए, अभी तो कैल्शियम के लिए बात कर रहे थे, मैग्नीशियम के लिए एमजी के लिए इतना केमिस्ट्री बोरिंग तो नहीं लग रही है? नो सर मजा आ रहा है। नो सर बिल्कुल भी नहीं। ओके। एमजी रिएक्ट विथ रिएक्ट माइल्डली विथ वाटर कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर सर माइल्डली क्या है बेटा? माइल्ड, माइल्ड तो सुना होगा किसी ने, माइल्ड रिएक्शन सुनी है? यस सर। यस सर।
क्या सुना माइट के बारे में? सर जो सिंपल सी रिएक्शन हो ऐसा मींस लिटिल बिट बहुत कोमल माइल्ड का मतलब बहुत कोमल होता है या मृदु बहुत बहुत मतलब सॉफ्ट सा कोमल मतलब बहुत आसानी से होता है समझे हो बहुत नरम जिसको बोलते हैं यस ओके सर ऊपर का लिख लिया सबने हाँ यस सर अच्छा रिकॉर्डिंग्स रूल्स देखते हो कोई दिक्कत तो नहीं रिकॉर्डिंग्स में तो कोई दिक्कत नहीं होती है नो सर हाँ नो सर ठीक है बहुत आसानी से रिएक्शन करता है माइल्ड मतलब बहुत धीरे से माइल्ड माइल्डली विद कोल्ड वाटर बट रिएक्ट विगोरसली विद विगोरसली का मतलब होता है बहुत तेजी के साथ या मतलब बहुत झटके में विद बॉइलिंग वाटर और स्टीम विद बॉइलिंग वाटर और स्टीम एक्सक्यूज मी सर यस सर जो आपने कैल्शियम का लिखवाया वो नॉर्मल वाटर का तो सर जो एमजी लिखवा रहे हो सर वो हॉट वाटर या स्टीम का है दोनों का लिखवा रहे बेटा दोनों का लिखवा रहे हैं एमजी रिएक्ट विद माइल्डली विद कोल्ड वाटर बट रिएक्ट विगोरसली विद द बॉइलिंग वाटर और स्टीम सो एज टू फॉर्म बेटा दोनों का मैंने लिखवाया हुआ है सो एज टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस मतलब अगर बेटा ऑब्वियस सी बात है जब कोई चीज ठंडी होगी तो रिएक्शन धीरे धीरे होगी क्योंकि मिक्स कम होगा अब आपको बार बार मैं बताता आया हूँ कि जब कोई चीज गर्म कर दोगे तो ऑब्वियसली तेज रिएक्शन होती है अगर चाय को अगर आप ठंडे पानी में डाल दो चाय की पत्ती को और पानी को तो क्या लगता है कि वो कभी घुल पाएगी क्या बन पाएगा दूध आपका चाय बन पाएगी इतनी जल्दी नो सर तो गर्म करते हुए रिएक्शन होना तेजी के साथ उसमें इसीलिए चीनी जल्दी से घुल जाती है और चीनी अगर गर्म नहीं करो तो वो फिर तो पता लगे कि वो चार पांच दिन रखेगा और चीनी को तो घुल पाएगी उसके अंदर नो हेलो यस सर बेटा अगर नहीं गर्म करोगे तो यही तो होगा ना कि वो धीरे धीरे रिएक्ट करेगी यस सर हाँ इसीलिए गर्म करना पड़ता है क्लास कितने बजे तक थी आपकी सर 1 बजे तक सर 1 बजे चलो एक रिएक्शन यही लिख लो फिर बंद करते हैं क्लास कल एक्स्ट्रा क्लास रख लें कल भी सर यू कैन टेक द यस सर कल तो क्लास सुबह रख लेना सर सुबह रख लेना शाम को रख सकते हैं क्या यस सर कल सुबह रख लिए ज्यादा सही रहेगा यस सर कल सुबह रख लेना सर यही सेम टाइमिंग कल के लिए कर लीजिए सर अभी चलो अभी लिखो इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस तो बेटा कोई बताएगा कि Mg की रिएक्शन वाटर के साथ होगी तो क्या बनेगा यस सर Mg प्लस H2 यही बनेगा यस सर हाइड्रोजन गैस मैग्नीशियम सर MgOH नहीं होगा अरे सर सॉरी 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 यस सर यही कह रहे थे MgOH ये सर सही है इसमें आ गई है कोई दिक्कत नो सर अब दिक्कत नहीं हो रही है हाँ सर अब दिक्कत नहीं हो रही है पक्का यस सर पक्का चलो एक लास्ट सेक्शन लिख लो फिर ओके सर यफी एंड जेडन जेडन के लिए यहाँ पे लिखना है यफी एंड जेडन आयरन और जिंक के साथ क्या होता है ये लिखना है ठीक है हॉट जिंक एंड आयरन हॉट जिंक एंड आयरन माइल्डली मतलब धीरे से रिएक्ट विथ
steam to form there. Steam, steam मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा temperature होगा उसका. React with steam to form there. To form there. Respective oxides. Respective oxides मतलब उनके oxides. Mg होगा zinc होगा तो zinc का oxide. Iron होगा तो iron का oxides. And hydrogen gas. सर हाइड्रोक्साइड बनेगा ना ऑक्साइड्स क्या सर ऑक्साइड्स बनेंगे हाँ ऑक्साइड्स बनते हैं लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा बेटा अभी okay. हाँ ऑक्साइड्स क्या लिखा है मैंने जिंक और मैग्नीशियम रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स ना हाँ तो yes, यहाँ पर बेटा क्या होता है यहाँ पर ऑक्साइड्स बनते हैं हाइड्रोक्साइड बन करके यही तो एक्सेप्शन और इसीलिए तो एक्स्ट्रा लिखाया जा रहा है यहाँ पर जो बन रहा है रिएक्शन के बाद क्योंकि यहाँ पर स्टीम आपने ली हुई है और स्टीम ली हुई है मतलब ये जो है और भी ज्यादा ऑक्साइड्स ऑक्साइड्स मतलब फॉर्मेशन होता है और ये जो बेस से भी ये ऑक्साइड में कन्वर्टन हो जाता है तो अगर आपने यहाँ पर ZN के साथ रिएक्शन करनी है जिंक की ठीक है प्लस स्टीम स्टीम का फॉर्मूला भी H2O ही होगा ये तो आपको पता ही होगा स्टीम हो चाहे आइस हो चाहे वाटर हो उसका फॉर्मूला तो भैया H2O ही रहेगा ना कंपोजिशन यस सर अच्छा ये भी दिक्कत है यस अरे यार स्टीम है आइस है वाटर है हर जगह फॉर्मूला उसका H2O ही रहेगा बारिश का पानी हो नदी का पानी हो नल का पानी हो फ्रिज का पानी हो घर का पानी हो सब्जी से निकलने वाला पानी हो पेड़ से निकलने वाला पानी हो कहीं का भी पानी हो अगर वाटर है तो उसका फॉर्मूला H2O ही आएगा और हमेशा हमेशा के लिए H2O ही आएगा और कोई भी कंपाउंड होता है उसका कंपोजिशन कभी चेंज नहीं हो जाता तो स्टीम में चला गया तो भले ही टेम्परेचर बढ़ गया है वो भले ही उसने अपनी स्टेट को चेंज कर लिया है फिर इसका मतलब ये नहीं है कि कंपोजिशन चेंज कर देगा यानी वाटर का फॉर्मूला वाटर ही रहेगा बेटा तो जिंक है यहाँ पर वाटर स्टीम सिलेक्शन होगी तो जिंक ये क्या बना देगा बेटा मैंने क्या बताया कि जिंक ऑक्साइड बना दिया यहाँ पर एक्सेप्शन होता है और एक्सेप्शन को आपको हमेशा पढ़ के चलना है इसीलिए यही सब चीजें आ जाती हैं तो यहाँ पर होगा जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस H2 रिएक्शन आप इसको याद कर सकते हो कि ये एम्फोट्रिक मेटल है इसलिए ये कर रहा है ऐसा भी बोल सकते हो आप ऐसा नहीं होता रीजन नहीं होता लेकिन आप याद करने के लिए सोच सकते हो कि एक एम्फोट्रिक मेटल की रिएक्शन मैंने पढ़ी थी वो जिंक था उसने क्या किया था उसने दिया था H2 एंड ZnO सर जब Fe स्टीम के साथ करेगा सर वो भी तो FeO प्लस H2 बनाएगा हाँ बेटा बनाएगा लेकिन FeO नहीं बनता वो थोड़ा अपर फॉर्मेट में जाता है Fe3O4 बन जाता है उसमें ओके सर टेट्राफेरिक ऑक्साइड बनता है या फेरोफेरिक ऑक्साइड उसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड मैंने दो ऑक्साइड आपको बताए हुए हैं एक होता है FeO एक होता है Fe2O3 एक होता है फेरस ऑक्साइड ये होता है फेरिक ऑक्साइड सब लिखाया हुआ है ये मत बोल देना नहीं लिखाया हुआ है और एक होता है Fe3O ये दोनों आपको पहले लिखा है क्या बोल रहे हो सर ये स्टीम में इसलिए ये एक्सेप्शन है कि ये ऑक्साइड में हो जाएगा स्टीम में ये पार्टिकुलर क्वालिटी है मेटल की स्टीम तो आप चाहो तो सोडियम में भी स्टीम लगा दो तो वो ऑक्साइड में थोड़ी ना कन्वर्ट हो जाएगा ये क्वालिटी है मेटल की आयरन की क्वालिटी है और ये ZN की क्वालिटी इसकी वजह से हो रहा है ये फेरस सर इन दोनों में ही होता है और किसी में भी होता है अगर होगा तो मैं लिखाऊंगा बेटा नहीं होता है इसलिए नहीं लिखा रहा हूं सर ये सब आप समझा सकते हैं प्लीज क्या सर आप एक और बार समझा सकते हैं प्लीज कुछ नहीं हो रहा है ZN की रिएक्शन हो रही है यहाँ पर H+ में टूट रहा है तो यहाँ पर H2 है ये क्या हो रहा है इसमें सीधे सीधे ये OH- दे रहा है लेकिन ये OH- से केवल ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है केवल जिंक ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है जब भी ये आएगा आप सीधे इसको ऐसे कर लेना ब्रेकिंग तो ऐसे नहीं होती हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वो बहुत ही गलत बात है लेकिन फिर भी आप याद करने के लिए कर सकते हो कि ऑक्सीजन जाके ZN के साथ जुड़ जाएगा और H2 जो होगा वो अलग से निकल जाएगा ऐसे कर सकते हो आप उसको रटने के लिए या याद करने के लिए
तो आप जब भी कोई चीज देखो, आप इसको रटने के लिए भी अगर आपने अगर उसको जानना है तो आप उसको कोई ना कोई अपने हिसाब से तरीका बना सकते हो, तो उसको उस तरह से भी लिख सकते हो। तो आपको मैंने दो ऑक्साइड्स पहले बताए हैं, फेरिक ऑक्साइड्स और फेरस ऑक्साइड्स, और एक ऑक्साइड और है जो अभी आज हम बना देंगे इसकी इस कंपाउंड के बाद। तो अगर हमने रिएक्शन करनी है यफी की, अगर यफी की रिएक्शन वाटर के साथ होती है H2O के साथ, तो ये और ये स्टीम होता है, तो ये बनाता है Fe3O4। ये याद करना ही पड़ेगा, कुछ चीजें आपको रटनी ही पड़ेंगी। Fe3O4 बनाता है प्लस हाइड्रोजन बनाता है, और Fe3O4 बनने के बाद क्या होता है, इसका इसका जो फॉर्मूला होता है, जो Fe3O4 का नाम होता है, वो होता है फेरोफेरिक ऑक्साइड। बेटा कुछ चीजें तो याद करनी पड़ेंगी, बस रिएक्शन करने का तरीका बता देता हूं, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा बेटा। पर मतलब ये याद करना पड़ेगा कि किसको क्या कहते हैं? नहीं नहीं इसको याद करना पड़ेगा कि आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा कंपाउंड बनता है। आपको ये याद करना है कि जब आयरन की रिएक्शन स्टीम के साथ होती है तो फेरोफेरिक ऑक्साइड बनता है, और ये याद करना ही पड़ेगा क्योंकि एक्सेप्शन आ गया। सर स्टीम के साथ बनेगी और वॉटर के साथ बनेगी तो अलग अलग आएगा? अरे यार स्टीम ही वॉटर होता है यार, स्टीम ही एक ही स्टीम का फॉर्मूला वही है। मैंने सर, बोला सर, स्टीम तो से लोग निकाल सकते हैं सर, वो तो इजी है। किस चीज को निकाल सकते हैं? सर Fe+H2O का निकाल सकते हैं। तो बेटा निकाल सकते हैं, वो तरीका था निकालने का, हर जगह नहीं होता वही तरीका यूज। यहाँ पर चाहे तो कर सकते हैं S+ और OH- में, लेकिन ये बना देगा Fe OH का होल थ्राइस, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हम स्टीम से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो वो अलग चीज है बेटा। वो उसमें इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक्सेप्शन को याद करना पड़ेगा। अब हर जगह वही रूल लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। बस जनरल फॉर्मूला होता है, जनरली रिएक्शन लिखने का तरीका पता होना चाहिए, लेकिन जो जो एक्सेप्शनली चीजें बताई जाए उसको एक्सेप्शनली याद भी करना जरूरी होता है। तो यहाँ और केमिस्ट्री में हर रिएक्शन के बाद कोई ना कोई एक्सेप्शन आएगा ही आएगा। तो आपको 10 रिएक्शन अगर सही तरीके से चलेगी तो 2-4 अलग रिएक्ट करेंगी करेंगी, वो आपको याद करना पड़ेगा बेटा। तो वैसे यहाँ पर भी याद करना पड़ेगा कि आयरन की रिएक्शन वाटर के साथ करेंगी तो Fe3O4 बनाएगा। यहाँ पर नहीं कर सकते, हाँ दे दूंगा बेटा पक्का। ओके सर ठीक है बेटा, फिर कोई दिक्कत तो नहीं रही क्लास में? नो सर अच्छी लगी क्लास, और सभी के आंसर भी अच्छी क्लास थी। चलो ठीक है ट्राई करना बेटा, आए अगर नहीं आया तो फिर बताना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके सर, बाय बेटा, बाय बाय सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सर, वेलकम बेटा, गुड आफ्टरनून सर।